ऑयल सिटी जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी 1 मार्च से 3 दिनों तक आयोजित की गई है। अंबानी परिवार के इस समारोह को लेकर पूरे जामनगर में उत्साह का माहौल है। जामनगर और उसके आसपास के सभी होटल पहले से ही बुक हो चुके हैं। इस प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए दुनिया भर से 1000 से ज्यादा वीवीआईपी मेहमान जामनगर आ रहे हैं। हर होटल कारोबारी अपने होटल में अंबानी परिवार के मेहमानों का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। यहाँ पे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का वेडिंग का प्रिपरेशन पूर्व तैयार जोश में चल रहा है और यहाँ पे वीवीआईपी गाड़ियां, वीवीआईपी मेहमान और सारे अपर लोग के लेवल लोग के आदमी आ रहे हैं और तैयारी पूर्ण जोश में चल रही है। और हमारी होटल भी 5-6 तारीख तक फुल है और ये एरिया की सारी होटल ऑलमोस्ट फुल चल रही है और हम लोग मेहमानों को आवकारने के लिए खूब आतुर हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी 1 मार्च से 3 मार्च तक है, लेकिन जामनगर के करीब करीब सभी होटल 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक फुल हो चुके हैं। जामनगर के 3-स्टार 4-स्टार सभी होटलों में कहीं जगह लोकल लोग को नहीं मिल रही, क्योंकि भारत नहीं पूरे विश्व भर से यहाँ मेहमान है वो आने वाले हैं। जिस प्रकार से आप दृश्य देख रहे हैं जामनगर की, ये पूरी होटल इंडस्ट्रीज है, वहाँ सब तरीके से इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि पूरे विश्व से यहाँ वीवीआईपी आने वाले हैं। इसको लेकर ही काफी यहाँ सजाया धजा जा रहा है, क्योंकि पूरे विश्व से यहाँ जामनगर में जो लोग आते हैं उसको किसी भी प्रकार की दिक्कतें न महसूस हो, तकलीफें न पड़े, उसके लिए यहाँ सब तैयारियां कर रही है। जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी की वजह से किसी भी होटल में जगह नहीं बची है। यहां तक कि स्थानीय लोगों को भी होटल में जगह नहीं मिल पा रही। जिस प्रकार से आप दृश्य देख रहे हैं जामनगर की सयाजी होटल में जो कोई लोग आने वाले हैं उसको वेलकम करने के लिए बोर्ड भी लगाए गए हैं। सारे होटल हाउसफुल हो चुके हैं। स्थानीय लोगों को अभी होटल में स्टे करने के लिए जगह भी नहीं मिल रही। जिस प्रकार से बात की जाए जामनगर में पहले भारतवर्ष से कोई भी मेहमान है वो आते थे तो जामनगर की होटल का मुआवजा लेते थे। अभी जामनगर में भारत के अलावा पूरे विश्व के मेहमान है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में ये जो समारोह होने जा रहा है, प्री वेडिंग सेरेमनी होने जा रही है, उसमें आने वाले हैं। इसको लेकर ही जामनगर से 20 से अधिक जो 3-स्टार 4-स्टार होटल है और अन्य भी होटल रेस्टोरेंट है वो फुल हो चुकी है, हाउसफुल हो चुकी है। 3 मार्च तक जामनगर के सभी होटलों में कोई भी लोकल लोग को स्टे करने के लिए जगह भी नहीं मिल रही। जामनगर में श्री जी सयाजी होटल के जनरल मैनेजर ने कहा कि जामनगर में अंबानी परिवार के शाही समारोह का आयोजन उनके लिए सौभाग्य की बात है। उनके होटल में 25 फरवरी से ही सब कुछ फुल हो चुका है और 6 मार्च के पहले कोई जगह नहीं है। जामनगर इतनी छोटी सिटी है, वहाँ पे इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है जहाँ पे पूरे दुनिया से, आज तक ऐसा था जामनगर में भारत से लोग आते थे और रिलायंस वैसे भी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को लेके आता है जामनगर। ये एक ऐसी इवेंट है जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े इवेंट्स वाले हैं वो आ रहे हैं, तो एक बहुत ही खुशी की खबर है। 25 तारीख से लेके 3 मार्च तक सयाजी हमारा होटल पूरा पैक है। वैसे ही आप कहीं पे भी आप जाके देखोगे किसी भी होटल में रूम नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे जामनगर के लिए। जामनगर के कारोबारी इस इवेंट को अपने लिए गर्व की बात समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि पहली बार जामनगर में कोई ऐसा इवेंट होने जा रहा है जिसमें दुनिया भर के दिग्गज आने वाले हैं। रिलायंस के सीएम भी मुकेश अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग हो रही है अनंत अंबानी और राधिका जी की, तो जामनगर में इंटरनेशनल जो गेस्ट है वो आए हुए हैं। यहाँ पे एकोमोडेशन पूरे जामनगर में उन्होंने किया हुआ है, जामनगर के ऑलमोस्ट सब होटल पैक है और ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि इंटरनेशनल गेस्ट आते हैं तो यहाँ पे वो जामनगर का टूरिज्म भी डेवलप होता है और हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट ये हो रहा है। ये फर्स्ट टाइम जामनगर में ऐसी प्री वेडिंग हो रही है। जामनगर शहर से अंबानी परिवार का बेहद लगाव है, यही वजह है कि जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी शुरू होने के बाद से लगातार जामनगर का कायाकल्प होता गया। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा योगदान है। मौजूदा वक्त में जामनगर विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है।